नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पर। आज आपके लिए और एक जॉब अपॉर्चुनिटीज का वापस एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें कि आपको बताएंगे इस भर्तियों के लिए, जो कि भर्ती निकाली गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर्स के लिए, यहाँ पे भर्तियाँ निकाली गई हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसकी एज लिमिट, इसकी वैकेंसी डिटेल, सब पे हम बात करने वाले हैं। तो ये इसके अंदर टोटल 145 वैकेंसीज अवेलेबल रहने वाली है। तो आगे डिस्कस करने वाले हैं हर एक चीज़ पे डिटेल में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओवरव्यू की। तो इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर आप कुछ चेक कर सकते हैं। पोजीशन यहाँ पे प्रोफेसर के लिए यहाँ पे निकाली गया है भर्तियाँ, जो कि रहने वाली हैं यहाँ पे टोटल 145 रहने वाली है। एंड एप्लीकेशन मोड यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन ही देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन कर दी गई है, अगर आपको इसमें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और कुछ यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट हिंदी में विकी पे विजिट करें, यहाँ पे से आर्टिकल पे क्लिक करके, एंड देन इस पर आप यहाँ पे से लिंक्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। जनरल के लिए यहाँ पे 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड वुमेन एप्लीकेंट जो होने वाली है उनके लिए 1500 यहाँ पे रहने वाला है। एससी एसटी के लिए 1000 एंड पीडब्ल्यूपीडी के लिए 500 रुपये रहने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पेमेंट मोड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन यहाँ पे जैसे कि फॉर्म फिल करा जाएगा, तो आपको पेमेंट भी ऑनलाइन करनी होगी। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी यूज़ करते हैं, फिर नेट बैंकिंग, आप उससे पेमेंट इजीली कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक है। एंड देन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी आपके पास होनी चाहिए किसी भी एक रेलिवेंट डिसिप्लिन या किसी भी रेलिवेंट फील्ड में। नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स, तो यहाँ पे प्रोफेसर के लिए जैसे कि आपको बताया गया था, तो यहाँ पे इसके लिए टोटल 145 वैकेंसीज अवेलेबल कराई गई हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको इसको एप्लीकेशन को खुद से फिल करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। आपको पहले बता दिया गया है कि आप कैसे यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, उस पर फिल करना है, एंड अपनी कुछ पर्सनल एंड एजुकेशनल प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे एक्यूरेटली वहाँ पे फिल डाउन कर देना है। देन वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, जिसमें कि आपकी आपके कैटेगरी के हिसाब से जितनी भी एप्लीकेशन फ़ी है वो आप पे कर दीजिएगा। एंड देन यहाँ पे आपको अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। देन वहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको एक डाउनलोड वहाँ पे कर लेना है, एक प्रिंट आउट अपने फ़ोन में अपने सेव कर लेना है, ताकि वो फ्यूचर में रेफरेंस के थ्रू काम आए। नेक्स्ट यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न, तो यहाँ पे पहला इसमें एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके पास इसमें बताया गया कि टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे बताया गया, रिटन टेस्ट होगा यहाँ पे, अगर किसी किसी फील्ड में शायद हो सकता है, यहाँ पे बताया गया कि एप्लीकेबल, एंड इसके साथ आपका इंटरव्यू होगा। ड्यूरेशन जो होगी वहाँ पे आपकी अलग अलग वेरी कर सकती है, तो यहाँ पे 2 से 3 आप यहाँ रेंज बताई गई है, 2 से 3 यहाँ पे रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पे आपके पास घंटे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे टोटल मार्क्स, तो सब्जेक्ट एंड एग्ज़ाम टाइप जो भी होगा उसके बेसिक पे यहाँ पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, टोटल मार्क्स उतने होंगे। एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको ऑफलाइन होगा, यहाँ पे आपको सेंटर होगा या फिर आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे कॉमर्स के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री एंड कुछ और भी यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे कॉमर्स में अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस, एनवायरनमेंट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, एंड देन इसमें इंग्लिश में लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, क्रिटिकल थ्योरी, थिंकिंग एंड मेथडोलॉजिक्स यहाँ पे, और हिंदी में यहाँ पे रहने वाला है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लिटरेचर, टीचिंग, पेडागॉजी, एंड यहाँ पे है हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्टोरियोग्राफी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, यहाँ पे इस टाइप से कुछ रहने वाले हैं। एंड लास्ट में यहाँ पे कुछ है एग्ज़ाम पैटर्न डिटेल्स, तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें कि आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप, दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इंटरव्यू होगा देन आपका, जो कि यहाँ पे वही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जो कि एग्ज़ाम क्लियर कर चुके होंगे, एंड वहाँ पे उनसे आपके कुछ डिटेल्स पूछेंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपकी एक्सपीरियंस वगैरह वहाँ पे सब चेक किया जाएगा। देन यहाँ पे मार्किंग स्कीम के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन वेरिएशन, तो यहाँ पे ये तो चीज़ आपको पहले बता दी है कि यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग कंटेंट होगा, एंड वहाँ पे मार्क्स भी डिफरेंट डिफरेंट कैरी करेंगे हर एक एग्ज़ाम। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरव्यू, तो इंटरव्यू भी यहाँ पे 50 से 100 मार्क्स का दिया गया है, एंड ये सारे इंटरव्यू सेम नहीं होने वाले, तो ये वहाँ पे वेरी कर सकते हैं ये भी।
एंड टोटल मार्क्स यहाँ पे अभी नहीं बताया गया, तो ये सब आपको आगे क्लियर कर दी जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टेज वन है एप्लीकेशन स्क्रीनिंग। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा, वहाँ पे चेक किया जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स रीच कर रही हैं, मीट कर रही हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। देन यहाँ पे उनका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो उसको क्लियर कर लेंगे, इंटरव्यू होगा, देन एंड इंटरव्यू के बाद जो भी उसको उसको भी क्लियर कर लेंगे तो उनका उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। देन यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, तो ये रिपीटेड है। देन इसके आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दी गई है, तो अगर आपको अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स जाननी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, तो आप इनको यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इजीली। आपको यहाँ पे से ये चीज़ें तीनों मिल जाएंगी। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, हिंदी में विकी पे आप गूगल पर सर्च करेंगे, देन आर्टिकल पर क्लिक करके लास्ट में यहाँ पे आपको तीनों लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको और भी कुछ डिटेल चाहिए तो आप उससे हमारे व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर और कोई अपडेट्स के लिए आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें।